हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड द यूज ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एबीपीएस फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ़ वेजेज अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम तो ये जो मनरेगा स्कीम है जिसमें हंड्रेड डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है जिसमें पंद्रह दिन के अंदर पेमेंट की जाती है वेज जेंडर पैरिटी वर्क इन फाइव किलोमीटर डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस एप्लीकेबल टू ऑल डिस्ट्रिक्ट वन थर्ड ऑफ जॉब्स रिजर्व फॉर वीमेन और ये पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका भी सिद्ध हुआ है तो ये है फीचर्स मनरेगा का इसमें जो भी वर्कर्स काम करते हैं अब तक में उन्हें यानी कि जनवरी 2023 से पहले उन्हें कैश में अक्सर पैसा दिया जाता था लेकिन जनवरी 30 2023 के बाद ऐसा सिस्टम लाया गया उनको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा पेमेंट किया जाए दैट मीन्स कि उनका जो आधार नंबर है उससे कोई बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ रहेगा और उससे ही आपका यानी कि उस मज़दूर का जॉब कार्ड भी जोड़ा जाएगा और जो भी वो काम करेगा काम का डिटेल उसके डिजिटल जॉब कार्ड पर जाएगा उससे फिर उसके आधार से रिलेटेड बैंक में उसका जो भी लेबर चार्ज होगा उसका जो भी दिन भर की वेजेज होगी वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा तो ये सिस्टम लाया जाता है जनवरी थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में लेकिन याद रखना अभी ये मैंडेटरी नहीं किया गया है अभी ये मैंडेटरी नहीं किया गया है यानी कि जो लेबर ए में सब्सक्राइब कर पा रहे थे ए में अपना इस सिस्टम को लिंक कर पा रहे थे ठीक है उनको उनके खाते में डायरेक्ट आधार लिंक अकाउंट के हिसाब से पैसे डिसबर्स कर दिए जा रहे थे लेकिन जो ऐसा नहीं कर पा रहे थे उन्हें काम के बाद कैश में पैसे मिल जाते थे कुछ दिनों के बाद फिफ्टीन डेज़ के बाद या फिर शायद कभी कभी ज़्यादा भी दिन लग जाते थे तो उन्हें पैसे मिल जाते थे ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है यानी कि जिस भी लेबर के पास ए बी पी एस लिंक्ड अकाउंट सिस्टम है पेमेंट सिस्टम है उसी को पेमेंट जाएगा अदरवाइज़ जो कैश में दिया जाता था वो कैश में देने की सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगी हालांकि इसमें कुछ आ, कुछ लिब्रेशन्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है और एक बात आपको बता दूं कि ये सडन नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पाँचवीं बार डेडलाइन इसमें फ़ेल हुआ है ओके फिफ्थ प्रोलॉगेशन के बाद इसे लाया गया है तो पाँच बार डेडलाइन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने यहाँ के जितने भी लेबर्स हैं उनका ए को पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए परफेक्ट कीजिए ताकि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा सके इसका नीड क्या है तो इसका नीड है कि टू इनहस ट्रांसपेरेंसी वेज डिस्बर्समेंट एकदम क्लियर हो सके स्ट्रीम हो जैसे ही वहाँ सेंट्रल लेवल पर पैसे डाले जाएँ सीधे आ जाए एकदम लेबर के अकाउंट में तो कहीं भी बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो कोई उन्हें सताए नहीं अक्सर ऐसा होता था कि पैसे जो अपर किसी लेयर में आकर के अटका हुआ है किसी को किसी के पास जिन्हें की जिम्मेदारी है लेबर को पैसे देने की वो लेबर को दौड़ा रहा है दौड़ा रहा है फाइनली लेबर मजबूर होकर कहता था कि ठीक है हमें फिफ्टी परसेंट ही दे दो तो इस तरह की बातें अक्सर सामने आती थी अक्सर ऐसे शिकायतें दर्ज की जाती थी बहुत जगहों से तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी का आना बहुत ज़रूरी था इसके अलावा पेमेंट एंड मिनिमाइज रिजक्शन्स तो रिजेक्शन मिनिमाइज करने के लिए जो भी लेबर काम किया है जो भी लेबर काम खोजे उसे तुरंत मिल जाए उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं सबसे बड़ा इशू जो इसमें आ रहा है वो है इन एलिजिबिलिटी का इशू ये जो ए सिस्टम है ये तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड उसका जॉब कार्ड और उसका बैंक अकाउंट तीनों का डिटेल आपस में सेम हो और तीनों को लिंक कर दिया जाए आपस में एक दूसरे से तो ही उसका ये ए सिस्टम स्टार्ट हो पाएगा लेकिन अगर आप इन एलिजिबिलिटी स्टेटस को देखें स्टेटिस्टिक्स को देखें जो कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के एक डाटा से मिलता है तो वहाँ ये पता चलता है कि एज ऑफ दिसंबर ट्वेंटी सेवन थर्टी फोर पॉइंट एट परसेंट ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स रिमेन इन एलिजिबल फॉर ए बी पी एस तो ये टोटल जॉब कार्ड होल्डर्स की बात हो रही है उसमें से अगर एक्टिव की बात करें एक्टिव उसे कहा जाता है जो पिछले थ्री फिनेंशियल ईयर्स में कम से कम एक दिन भी अगर मनरेगा के अंतर्गत काम किया है कहीं पर भी तो उसे एक्टिव कहा जाता है तो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स में से भी देखिएगा तो पच्चीस करोड़ ऐसे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं एक्टिव हैं उसमें से 12.7 करोड़ ऐसे हैं जो कि स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर ए और इसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ जिम्मेदार होता है इसमें से जो अधिकांश लोग होते हैं जो मनरेगा में काम करते हैं वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं अधिक पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनका क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है चूँकि पढ़े लिखे नहीं है तो डॉक्यूमेंट में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है ये बहुत अधिक एक्सेस नहीं कर पाते हैं और उन्हें इतना याद भी नहीं रहता है सपोज उनके आधार कार्ड में उनका नाम बुद्धिमान लिखा हुआ है और उनके जॉब कार्ड में उसका नाम बुद्धन लिख दिया गया है और उसके बैंक अकाउंट में उसका नाम बुद्ध लिखा हुआ है तो इस तरह से तीन नाम हैं तो मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया और इस तरह के प्रॉब्लम हर दिन आते थे तो मुझे एक्सपीरियंस है और ये रियल एग्जांपल है ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी बुद्धन बुद्धदेव और बुद्धिमान और तीन कार्ड हैं तीनों में बेचारे को दौड़ाया जा रहा है ये बोल रहा है तुम जाओ कोर्ट से एफिडेविट करके लाओ ये बोल रहा है तुम जाओ नोटरी से एफिडेविट करके लाओ ये बोल रहा है तुम जाओ किसी स्कूल में से अपना कोई प्रमाण पत्र बना के लेके चले आओ स्कूल uh, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना कर लेके चले आओ तो वो बेचारा दौड़ रहा है दौड़ रहा है काम उसका कहीं भी नहीं हो रहा है तो ऐसे ट्वेल्व पॉइंट सेवन परसेंट है देखो ट्वेंटी फाइव करोड़ का टेन परसेंट बात करें तो वो हो जाएगा टू पॉइंट फाइव करोड़ कितने देशों की पॉपुलेशन नहीं होती है इतनी जितना यहाँ पर इतने लोग परेशान परेशान हुए पड़े हैं तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अलावा देखो डिलीशंस एंड प्रेशर्स ऑन स्टेट्स भी बहुत अधिक है स्टेट्स को कहा गया था कि आप हंड्रेड परसेंट ए बी पी एस एलिजिबल जॉब कार्ड्स बनाइए जल्द से जल्द तो स्टेट्स ने क्या किया कि जो जरा सा भी इन एलिजिबल थे जिनका नाम नहीं आ रहा था ठीक से जिनका नाम मैच नहीं हो रहा था वो चाहे जेनविन भी लोग क्यों ना था उनके जॉब कार्ड को ही डिटेल डिलीट कर दिया गया ताकि हंड्रेड परसेंट जो बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो हंड्रेड परसेंट टारगेट को मीट किया जा सके इसके लिए सेंट्र जो स्टेट गवर्नमेंट था उसने क्या किया कि कई सारे जॉब कार्ड ही डिलीट कर दिए तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना देखो प्रॉब्लम था कि उसका कुछ नेम डिफरेंट है कुछ कुछ इशू है उसमें तो वो तो बायोमेट्रिक से बहुत अच्छे से ठीक हो सकता था देखो एक आदमी का नाम अगर आधार कार्ड पर बुद्धदेव लिखाना था लेकिन अगर बुद्धन लिखा गया है तो आधार कार्ड तो ठीक हो सकता है एक बार बुद्धन के जगह बुद्धदेव लिखा जाए तो फिर बैंक अकाउंट में कैसे ठीक होगा अरे भाई बैंक अकाउंट में बायोमेट्रिक्स लगा दो ना आधार से लिंक किया हुआ आधार में जो कुछ भी है वहाँ अंगूठा लगाएगा एक मिनट में बैंक का भी डिटेल सारा ठीक हो जाएगा और वही बायोमेट्रिक्स को लेके चले आओ यहाँ जो जॉब कार्ड है वहाँ लेके चले आओ तो जॉब कार्ड भी ठीक हो जाएगा कितना सिंपल है एक दिन भी नहीं लगेगा ये होने में लेकिन ये नहीं करेंगे सीधे क्या करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया है कि जॉब कार्ड ही डिलीट कर दिया गया है कहा जाता है कि सेवन पॉइंट सिक्स करोड़ वर्कर्स के जॉब कार्ड को डिलीट किया गया है पिछले इक्कीस महीनों में ताकि हंड्रेड परसेंट ए बी पी एस एलिजिबल जॉब कार्ड्स बनाए जा सकें अब हंड्रेड परसेंट करने के लिए या तो ये उपाय था कि ये सेवन पॉइंट सिक्स करोड़ लोगों के जॉब कार्ड को ठीक किया जाता ऑब्वियसली आधार कार्ड है तो उनका कुछ ना कुछ बायोमेट्रिक्स तो एग्जिस्ट करता ही होगा कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना बायोमेट्रिक्स का ही आधार कार्ड बन गया होगा तो अगर ऐसे सेवन पॉइंट सिक्स करोड़ वर्कर का डिलीट हुआ है तो सारे के सारे फर्जरी तो नहीं होंगे कुछ इसमें तो बेहतर भी रहे होंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कंसर्न इतना बड़ा है कि बता नहीं सकते क्योंकि सेवन पॉइंट सिक्स करोड़ लोगों का देखो जो हर तरफ से बेरोजगार होते हैं वो आते हैं नरेगा में काम करने के लिए और अगर उन्हें भी सेवन पॉइंट सिक्स करोड़ की संख्या में निकाल दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वरिसम सिचुएशन है कंट्री के लिए ए बी पी एस एंड गवर्नमेंट्स परस्पेक्टिव की बात करें तो ट्वेल्व डिजिट आधार नंबर सबको पता है कि होता है जब ये लिंक किया जाएगा जॉब कार्ड से फिर उसके बाद बैंक अकाउंट से और तब वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डाटा बेस से कनेक्ट होगा और इस तरह से पेमेंट आएगा तो किसी भी तरह का लीक नहीं आएगा इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स एंड रिड्यूस रिजेक्शंस इस तरह के हमारे पास सिचुएशन आ पाएंगे तो कंक्लूजन के फॉर्म में हमें क्या मिलता है तो कंक्लूजन में देखो यहाँ तो खैर कुछ और ही मैंने लिख दिया है कंक्लूजन में यही आता है कि गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डिलीशन ना हो जो भी लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम है हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लगा कर हर जगह आधार को आधार का हेल्प ले करके हर जगह के डाटा को ठीक किया जाए और अगर व्यक्ति जेनविन है उसके रेटिना और फिंगरप्रिंट से वो व्यक्ति सच में जेनविन है तो उसको ठीक से ए के अंडर लाया जाए और जल्द से जल्द उनको आधार के द्वारा ये जो डी हो रहा है ना ये जल्द से जल्द उनको बेनिफिट दिया जाए बस बेनिफिट देने में कोई पीछे ना छूट जाए बिना मतलब के किसी का नाम ना डिलीट हो जाए इस बात का ध्यान सिर्फ गवर्नमेंट रखे बाकी ये स्टेप तो बहुत ही अच्छा स्टेप है ओके सो दिस वाज द टॉपिक ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन बट बिफोर मूविंग आई वांट टू से यू समथिंग दैट आपका किसी भी तरह का इंट्रैक्शन चाहे आप लाइक कमेंट शेयर या सब्सक्राइब करें इट प्रोवाइड अस इनॉर्मस एनर्जी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट सेसन में गुड बाय